कमाल की तिगड़ी बनी है, कमाल की तिगड़ी बनी है, वीआईपी राजा आम आदमी। सवाल कर सकते हैं आप। बिल्कुल। आइस फ्लिक्स ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म बना है, मैं समझता हूँ कि आज बहुत ज़रूरत बन पड़ी है ओटीटी प्लेटफॉर्म की, क्योंकि कंटेंट ओरिएंटेड जो मामला अब होने जा रहा है, जिसमें ज़्यादा बजट नहीं होता लेकिन आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, कहानी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमारे इस प्यारे से ओटीटी प्लेटफॉर्म को, जिसका नाम है आइस फ्लिक्स, मैं वाकई आँखों से देखने के लिए सबसे अच्छा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, और मैं भी बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। वीआईपी से भी निवेदन करूँगा, आप भी लाओ, राजा सागर भी अपने वीडियो एल्बम लेकर आएंगे, गाना गा जी। नहीं, मेरी फिल्म तो अभी डबिंग चल रही है उसकी, कंप्लीट हो जाएगी अप्रैल या मई में, मैं रिलीज करने की सोच रहा हूँ, लेकिन अप्रैल का महीना जो है वो कॉमेडी का महीना है, फुल अप्रैल, अप्रैल फुल होता है, उसमें कपिल शर्मा का जन्म भी हुआ है 2 तारीख को, 2 अप्रैल को, लेकिन 1 मई को अगर मैं करना चाहूँ तो उस दिन लेबर डे होता है, और 2 मई को ये लेबर पैदा हुआ था, तो मई भी मेरे लिए खास है, अप्रैल भी मेरे लिए खास है, तो मैं कोशिश करूँगा अप्रैल में मैं लाऊँ लॉकडाउन टू अनलॉक। ये फिल्म कॉमेडी फिल्म है, लेकिन लॉकडाउन के खट्टे मीठे एक्सपीरियंस इसमें रखने की कोशिश की है, आप रिलेट करोगे और मज़ा आएगा। हाँ जी, बस मैं कॉन्ग्रेट्स कहना चाहूँगा पूरी टीम को, और वाकई जैसे भाई ने बोला है कि परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट चीज़ निकाली है, ये सबसे बड़ी बात है। वैसे भी हम, हाँ जी कुछ बोल रहे हैं, वैसे भी आपको पता ही कोरोना का क्या सिस्टम चल रहा है, तो उस हिसाब से जो वाकई ये टाइमिंग बिल्कुल सही है, और बाकी मेरा भी बहुत जल्दी कुछ चीज़ आ रही है, यानी कि मैंने अपने लाइफ में पहली बार ये लास्ट वीक में मैंने एक दिन में 5 गाने डायरेक्ट किए हैं अपने ही, अब वो भी जल्दी आपके सामने आते हैं, देखो पूरा मैशअप है, कोई पंजाबी, कोई हिंदी है, कोई अलग अलग तरह के रोमांटिक सॉन्ग है, आप ज़रूर देखिएगा, बस वो थोड़ा टाइम वेट करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जैसे कि सुनील पाल साहब ने कहा कि इनकी फिल्म आ रही है, इनकी एल्बम आ रही है, शायद इस नेटफ्लिक्स पे मैं आ जाऊँ, इनकी आईफ्लिक्स पे मैं आ जाऊँ, आईफ्लिक्स है, आईफ्लिक्स भाई, बिल्कुल इस पे मैं आ जाऊँ, डेफिनेटली एक अच्छी बात है हम सब कलाकारों के लिए, जितने प्लेटफॉर्म आएंगे उतने कलाकारों को काम मिलेगा, और मैं दिल से उनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो एक नई चीज़ लेकर आए हैं और वो तरक्की करे, खूब तरक्की, और हम कलाकारों को भी काम मिले। मैं तो कहता हूँ कि हमारे कवि मित्र एहसान कुरैशी यहाँ होते तो कहते हैं अमीर लोगों का प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, अमीर लोगों का प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, लेकिन टैलेंटेड लोगों का प्लेटफॉर्म है आईफ्लिक्स। थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आप जीओ 1000 साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है वीआईपी राजा सुनील पाल। जय हिंद।